हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गोल गप्पे वाला खट्टा तीखा और चटपटा मीठा पानी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गोल गप्पे का तीखा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप फ्रेश हरा धनिया। इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। टेबल स्पून पुदीने की पत्तियां ऐड कर देंगे। अब 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी को पीस लेंगे और एक चटनी रेडी कर लेंगे। चटनी को पीस लिया है, अब इसे एक बोल में डाल लेंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। एक छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच सादा नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 बड़े चम्मच पानी पूरी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पानी पूरी मसाला नहीं है तो आप जलजीरा पाउडर या फिर चाट मसाला ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हींग ऐड करेंगे। अब इसमें 3 बड़े चम्मच लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी पूरी का पानी तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अगर आपको इसमें खटास या तीखापन कम लग रहा है तो आप इसमें बाद में और चीजें ऐड कर सकते हैं। अब इसे और भी अच्छा बनाने के लिए इसमें 3 बड़े चम्मच बूंदी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा खट्टा तीखा पानी तैयार हो गया है। अब हम बना लेते हैं अपना चटपटा मीठा पानी। मीठा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम इमली ली हुई है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल इमली का यूज किया है, आप चाहें तो सीडलेस इमली का यूज भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल देंगे और 30 मिनट के लिए अलग रख देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इमली में से बीज निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लूंगी। इमली का पेस्ट रेडी है, अब इसे एक बोल में डालेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, जिससे ये आसानी से छन जाए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका सारा पल्प छान लिया है, देखिए, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को एक पैन में डाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, इसे भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो, लेकिन गुड़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज पर आपको मीडियम फ्लेम पर ही गुड़ को मेल्ट करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच सादा नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। चटनी बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम चटनी को एक बोल में डाल लेंगे और इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस चटनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है और ये किसी भी स्नैक्स के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अब इस पानी को और भी अच्छा बनाने के लिए इसमें बूंदी ऐड करेंगे। ये
मीठा पानी तैयार है, अब इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चटपटा मीठा और खट्टा तीखा पानी तैयार है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं आपको एक गोलगप्पा फिल करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी देखनी है तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें छोटे साइज में कट किए हुए आलू और प्याज डाल रही हूँ और इसे मीठे पानी के साथ फिल कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उतना ही यमी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको दूसरा गोलगप्पा भी फिल करके दिखाती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेरी रेसिपी से गोलगप्पे का पानी बनाएंगे तो आप मार्केट का पानी बिल्कुल भूल जाएंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा तीखे पानी का गोलगप्पा भी रेडी है। देखिए कितना यमी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।